नमस्कार दोस्तों, टेक एक्सपीरियंस में आप सभी को फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मेरे पास एक पोको X3 प्रो मोबाइल आया है जो कि आपके स्क्रीन में देख सकते हैं। दोस्तों पीछे साइड में दो वायर को मैं जंपर किया हूं, क्योंकि दोस्तों इसमें जो प्रॉब्लम आया था इसमें हैंग और लोगो प्रॉब्लम आया था, तो इसलिए दोस्तों इसको EDL में टच करने के लिए, EDL कनेक्ट करने के लिए इसमें दो वायर को मैं कनेक्ट करके रखा था। तो दोस्तों यहाँ पे इसमें जो प्रॉब्लम आया था इसमें हैंग और लोगो प्रॉब्लम आया था, और ये रखते रखते बैटरी भी डाउन हो गया है। तो यहाँ पे चार्जिंग एम्पियर मीटर से मैं कनेक्ट करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम आया है। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं आपके स्क्रीन में, चार्जिंग एम्पियर मीटर से मैं मोबाइल को कनेक्ट कर दिया हूँ और पोको का लोगो आ गया है, उसके बाद ब्लिंक हुआ, उसके बाद पावर बाय एंड्रॉयड। यहाँ से ये स्टॉक है, देख सकते हैं आपके स्क्रीन में, 2-3 मिनट के आसपास यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पे एम्पियर मीटर में देख सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल एम्पियर कंजप्शन हो रहा है, जो कि चालू मोबाइल को एक लगाते हैं जितना एम्पियर कंजप्शन होना चाहिए बस इतना ही एम्पियर कंजप्शन हो रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं एम्पियर मीटर में, वोल्टेज देख सकते हैं यहाँ पे फास्ट चार्जिंग को मैं कनेक्ट किया हूँ, यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, देख सकते हैं आपके स्क्रीन में 8.1, 8.3 ऐसे करके 9 वोल्ट तक यहाँ पे जाएगा। देखिए अभी ये 8.8 वोल्ट में आ गया है, 8.9 वोल्ट में आ गया है, और एम्पियर को देख सकते हैं 2.08 यानी कि 2 एम्पियर के आसपास यहाँ पे कंजप्शन हो रहा है। और यहाँ पे वोल्टेज देख सकते हैं इंक्रीज हो गया है यहाँ पे 8.9 वोल्ट में, फास्ट चार्जिंग है ओब्वियसली, यहाँ पे वोल्टेज भी बढ़ेगा एम्पियर भी बढ़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मोबाइल को भी देख सकते हैं कम से कम यहाँ पे 1 मिनट से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन दोस्तों पोको लोगो जो है लोगो से आगे नहीं बढ़ा है, पावर बाय एंड्रॉयड लिखा है और यहाँ पे लोगो पे स्टॉक है। तो दोस्तों इसमें जो प्रॉब्लम आया है हैंग और लोगो प्रॉब्लम, ये दो कारण से ये प्रॉब्लम हो सकता है। पहला, इसमें UFS बैड हेल्थ हो जाने से इस टाइप का प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है, या फिर इसमें CPU या फिर RAM ड्राई हो जाने से इस टाइप का प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। तो इसीलिए दोस्तों पीछे में दो वायर जंपर किया था EDL पॉइंट टच करने के लिए। तो यहाँ पे ये तो ऑनलाइन ही होता है, ये सॉफ्टवेयर फ्लैशिंग ऑफलाइन नहीं हो पाता, UMT में भी सपोर्टेड नहीं है, इसका क्रेडिट लगता है। तो मेरे पास क्रेडिट भी अवेलेबल नहीं था, इसका इन्फॉर्मेशन भी कुछ ले नहीं पाया। उसके बाद इसको ऑनलाइन करने की कोशिश किया, ऑनलाइन फ्लैशिंग करने की कोशिश किया, लेकिन कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि दोस्तों UMT में जो सपोर्टेड नहीं है ऑनलाइन फ्लैशिंग में काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों ये वीडियो में आपको ऐसा एक ट्रिक्स बताऊँगा जो कि आपको फट से पता चलेगा ये सॉफ्टवेयर से इशू है या फिर हार्डवेयर से इशू है। तो यहाँ पर दोस्तों यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, जो कि इसमें तो फ्लैशिंग में कर नहीं पाया, ना ही इसमें ऑनलाइन फ्लैशिंग हुआ ना ही ऑफलाइन फ्लैशिंग हुआ। तो यहाँ पे मोबाइल को मैं कस्टमर से थोड़ा सा परमिशन लेके मोबाइल को रखा कुछ दिन के लिए और इसमें डायग्नोस किया। डायग्नोस करने के बाद मेरे को पता चला इसमें हार्डवेयर 100% इशू है, जिस कारण से इसमें हैंग और लोगो प्रॉब्लम आया है। तो इस तरह आप भी कोई भी मोबाइल पर हैंग और लोगो प्रॉब्लम आने से कहाँ पे काम करना चाहिए इसके बारे में कम्प्लीटली जानकारी देने की कोशिश करूँगा। अगर आपके पास कोई भी हैंडसेट में हैंग और लोगो प्रॉब्लम आता है तो सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम आया है या फिर हार्डवेयर से प्रॉब्लम आया है, कैसे आप एक ही बार में प्रॉब्लम को पकड़ सकते हैं इसके बारे में कम्प्लीटली जानकारी देने की कोशिश करूँगा। इसीलिए दोस्तों ये वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल को पूरा ओपन कर लिया हूँ और बोर्ड भी बिल्कुल फ्रेश है, देख सकते हैं आपके स्क्रीन में। हालांकि दोस्तों यहाँ से आपको पता नहीं चलेगा, जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे आपको पता चल जाएगा बोर्ड कितना फ्रेश है। तो देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के सामने ले आया हूँ PCB को और यहाँ पर आई व्यू लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये EDL पॉइंट को टच करने के लिए यहाँ पर दो वायर को जंपर किया था यहाँ पर, और कुछ भी काम नहीं हुआ है, बोर्ड बिल्कुल फ्रेश है देख सकते हैं, और यहाँ पे इसका सील भी नहीं उतरा है देख सकते हैं आपके स्क्रीन में। तो चलिए दोस्तों बोर्ड को PCB होल्डर में फिक्स करते हैं और इसमें CPU और RAM में काम करते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें मेरे को प्रॉब्लम फाउंड हो चुका है और मैं किस ट्रिक्स में कौन सा ट्रिक्स इसमें लगाया जो डायरेक्टली CPU और RAM में काम कर रहा हूँ। यहाँ पे सॉफ्टवेयर फ्लैशिंग करके देख सकता था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं एक ऐसा ट्रिक्स लगाया कि इसमें डायरेक्टली मेरे को CPU और RAM इशू की वजह से इसमें हैंग और लोगो प्रॉब्लम आए, ये 100% श्योर हो गया। तो दोस्तों इसको जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों यहाँ पे मोबाइल को खोलने से पहले आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आज दिवाली है और इस दिवाली के दिन में वीडियो अपलोड करने की फिर से एक बार मौका मिला, क्योंकि दोस्तों कुछ दिन पहले से काम बंद हो चुका है सेल एंड सर्विस, इसीलिए दोस्तों थोड़ा सा टाइम मिला तो वीडियो एडिट करने लगा हूँ और वीडियो एडिट करके ये दिवाली के दिन में अपलोड कर दूँगा। तो दोस्तों ये दिवाली का ढेर सारे शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार लोगों को, जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी, जो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं उनको भी। तो चलिए दोस्तों टॉपिक में आते हैं। जो मेरे पास आज आया था पोको X3 Pro जिसका कोड था वायु,
इसमें हैंग और लोगो प्रॉब्लम आया था। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड को पूरा ओपन करके इसमें जो हीट सिंक टैप लगा था, कॉपर का प्लेट लगा था, इसको उठा दिया हूँ और सीपीयू को डायरेक्टली आपके सामने दिखा रहा हूँ। और साइड में जो कैन लगा है इसको भी कटिंग करना है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करें, यहाँ पे सेट साइड में कैन लगा है इसको हीट दे के खोलने की कोशिश ना करें, क्योंकि दोस्तों साइड में जो पीएम पीएमआई आईसी और भी कई सारा आईसी लगा है इसमें सब सील्ड वाला है, ब्लैक पेस्टेड से सील्ड है। तो यहाँ पे ड्राई हो सकता है, ड्राई होने के बाद और भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर कट कर लेना है, जितना हो सके उतना अच्छा से कट करना है। कहीं पर भी इसका जो पीसीबी में प्रिंट हुआ है ये प्रिंट नहीं उखड़ना चाहिए, प्रिंट उखड़ जाता है तो थोड़ा सा गंदा दिखता है। तो यहाँ पे दोस्तों कोशिश करें यहाँ पे प्रिंट ना उखड़े और सही सलामत इसका कैन भी रिमूव हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पीसीबी होल्डर में फिर से मैं इसको फिक्स कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों पीसीबी होल्डर से निकाल दिया था इसका साइड कैन कट करने के लिए। यहाँ पे हीट सिंक पैड लगा था तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं मोड़ के यहाँ पे देख सकते हैं यूएफएस को मैं कवर कर लेता हूँ, देख सकते हैं आपके स्क्रीन में। इस तरह आपको काम करना है। तो चलिए सीपीयू का चारों साइड में थोड़ा सा व्यू लेते हैं, कितना पेस्ट लगा है देख सकते हैं आपके सामने। पेस्ट बिल्कुल हल्का सा लगा है, देखिए पेस्ट बिल्कुल हल्का सा लगा है, फिर भी इसको ग्लू कट करना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं ब्लेड से इसको ग्लू कट कर लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा ब्लेड लगा देने से इसमें जो भी साइड कंपोनेंट है ये उखड़ने का चांसेस नहीं रहता। देखिए दोस्तों बिल्कुल इस तरह काम करना है। तो देख सकते हैं ग्लू को मैं कट कर लिया हूँ, ईपॉक्सी को कट कर लिया हूँ। अभी सबसे पहले क्या करेंगे, साइड में दो कैप्स लगा है, देखिए दोस्तों यहाँ पे साइड में दो कैप्स लगा है, सबसे पहले इसको रिमूव करना है और हल्का सा साइड साइड में थोड़ा सा फ्लक्स भी यूज़ करना है। तो इस तरह चारों साइड में फ्लक्स यूज करने के बाद यहाँ पे जो दो कैप्स लगा है इसको रिमूव करेंगे। और इसमें जो रैम दिखाई दे रहा है ऊपर में, ये जो एसीसी से स्टार्ट है, ये एसीसी जो कोड लिखा है इसका रैम है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्री हीट भी कर देंगे तो चारों साइड में। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले ये कैप्स को रिमूव कर लिया हूँ, क्योंकि दोस्तों इसमें स्क्रैपर डालना है। देखिए एसीसी 104 और के से स्टार्टिंग है इसका कोड। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा प्री हीट करेंगे, प्री हीट करने के बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर ब्लेड को अंदर डालेंगे। देखिए दोस्तों इस तरह आपको प्री हीट करना है। और यहाँ पर दोस्तों मैं SMD मशीन जो यूज किया हूँ, क्विक कंपनी का 2008D+, तो यहाँ पे हीट को रखा हूँ 360 और एयर को 80 पे रखा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं परफेक्टली रैम रिमूव हो गया है और इसका सीपीयू को भी रिमूव कर लेते हैं। तो रिमूव करने के लिए वही हीट रखना है, 360 हीट को रखना है और एयर को 80 पे रखना है। दोस्तों देख सकते हैं आपकी हैंड स्किल के ऊपर डिपेंड है कितना टाइम में आप सीपीयू को रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो को ज़्यादा स्पीड भी नहीं किया हूँ, नॉर्मल स्पीड में इसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारा सब्सक्राइबर भाई ने मेरे को कमेंट्स किए थे कि नॉर्मल स्पीड में ज़्यादा वीडियो बनाइए, बेहतर रहेगा, नॉर्मल स्पीड में हमको भी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। उसीलिए दोस्तों मैं वीडियो को ज़्यादा स्पीड नहीं किया हूँ, नॉर्मल स्पीड में इसको चला रहा हूँ, देख सकते हैं आपकी स्क्रीन में। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं परफेक्टली सीपीयू भी रिमूव हो गया है, पहले रैम को रिमूव किए थे, अभी देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ब्लैक पेस्टेड से कवर है पूरा पीसीबी। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले पीसीबी को क्लीन करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे पेस्ट बिल्कुल भरपूर लगा है, तो इसको क्लीन करने के लिए थोड़ा सा मैं 138 PPD पेस्ट को यूज़ करूँगा और थोड़ा सा फ्लक्स भी यूज करूँगा। और यहाँ पे आयरन से मैं क्लीन कर रहा हूँ, देख सकते हैं आपकी स्क्रीन में। इस तरह ब्लैक पेस्टेड आईसी को आयरन से क्लीन करने से क्या होता है, आयरन से क्लीन करेंगे अगर इसमें जो बॉल्स बना हुआ है, बॉल्स में थोड़ा सा जो पुराना पीपीडी है वो पीपीडी निकल के नया पीपीडी यहाँ पे लग जाएगा। तो इस तरह आपको आयरन से डायरेक्टली क्लीन करना है। और इसमें जो ग्लू लगा है, जो ईपॉक्सी लगा है, ये भी बिल्कुल परफेक्टली क्लीन हो जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसे मैं क्लीन कर रहा हूँ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो हैंडसेट में पोको X3 प्रो जिसका कोड था वायु, और इसमें जो प्रॉब्लम आया था हैंग और लोगो प्रॉब्लम या फिर लोगो पे स्टॉक होना, इस तरह प्रॉब्लम आने से कैसे आपको फाइंड करना है, हार्डवेयर में प्रॉब्लम है या फिर सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, कहाँ पे आपको डायरेक्टली काम करना चाहिए, इसके बारे में ये वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें, नोटिफिकेशन को ऑल में सिलेक्ट करके छोड़ दें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ, इसमें जो प्रॉब्लम आया है हैंग और लोगो प्रॉब्लम, इसमें सॉफ्टवेयर से इशू था या फिर हार्डवेयर से इशू था, मेरे को कैसे फाइंड हुआ और कैसे मैं फाउंड किया ये प्रॉब्लम को डायरेक्टली सीपीयू में, और सीपीयू में डायरेक्टली काम कर रहा हूँ, ये ट्रिक्स को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना होगा।
क्योंकि दोस्तों इसमें जो प्रॉब्लम आया है स्टॉक ऑन लोगो प्रॉब्लम या फिर हैंग ऑन लोगो प्रॉब्लम, इसमें दो रीजन से ये प्रॉब्लम हो सकता है। एक तो CPU ड्राई होने से इस टाइप का प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है, दूसरा है UFS बैड हेल्थ हो जाने से हमको ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। तो आपको मैं पूछना चाहता हूँ डायरेक्टली कहाँ पर काम करना चाहिए। मैं तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर करने के लिए, फ्लैशिंग करने के लिए यहाँ पर EDL पॉइंट को वायर जंपर किया था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे सॉफ्टवेयर से हो नहीं पाया, सॉफ्टवेयर हुआ भी नहीं, इसमें सॉफ्टवेयर से कुछ कनेक्ट भी नहीं हो पाया। तो आपको मैं बता दूँ यहाँ पे डायरेक्टली मैं ऐसा क्या फाइंड किया, क्या फाउंड किया, डायरेक्टली मैं CPU पे काम किया। तो इसी ट्रिक्स को जानने के लिए ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों ऐसा एक ट्रिक्स बता रहा हूँ जो कि आप ये Poco X3 में नहीं, कोई भी हैंडसेट में ये ट्रिक्स को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो हैंग और लोगो प्रॉब्लम आया है, सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम है या फिर हार्डवेयर से प्रॉब्लम है, ये 100% गारंटी है, 100% आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों इसको जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों इसमें ऐसा ट्रिक्स बताया हूँ, आप YouTube में सर्च कर लीजिए, कहीं पे भी ऐसा ट्रिक्स नहीं मिलेगा। हालांकि दोस्तों CPU RAM ओपन और रिवॉल्व करने का वीडियो काफ़ी सारा मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों इसमें जो हैंग और लोगो प्रॉब्लम आया है इसके बारे में कंप्लीटली जानकारी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर फ्लैशिंग करने के लिए ये मोबाइल को EDL पॉइंट बनाया था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे सॉफ्टवेयर फ्लैशिंग नहीं हो पाया, क्योंकि दोस्तों इसमें UMT से ऑफलाइन नहीं होता है, ये डायरेक्ट क्रेडिट से होता है। और इसको ऑनलाइन करने की भी कोशिश किया, लेकिन ऑनलाइन अभी इसकी दौरान ये ऑनलाइन सर्विस बंद था। तो दोस्तों इसीलिए मैं डायरेक्टली इसमें डायग्नोस किया, डायग्नोस करने के बाद मेरे को फाइंड आउट हो गया इसमें हार्डवेयर से 100% मैं श्योर हो गया हार्डवेयर से प्रॉब्लम था। क्यों ऐसा मैं कर रहा हूँ, इसमें डायग्नोस करने के बाद ही मेरे को पता चला कि इसमें हार्डवेयर से प्रॉब्लम था, नहीं तो जब मेरे पास सेट आया था मैं इसको फ्लैशिंग करने के लिए सोच रहा था। क्योंकि दोस्तों इसमें जो प्रॉब्लम आए, ऑब्वियसली ये पहले तो कोई भी टेक्नीशियन के पास जाएगा ये 100% पहले फ्लैशिंग करके देखेंगे, नहीं होगा तो फिर हार्डवेयर में देखेंगे। तो इसी तरह मैं डायरेक्टली इसमें फ्लैशिंग करने के लिए कोशिश किया था, लेकिन फ्लैशिंग नहीं हो पाया भगवान की दुआ से। तो यहाँ पे फ्लैशिंग तो नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मेरे को एक सलूशन भी मिल गया। कोई भी हैंडसेट में हम हैंग और लोगो प्रॉब्लम आता है तो कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं 100% एक ही बार में। तो दोस्तों इसके बारे में ये वीडियो में आपको पूरा जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, बात करते करते CPU को ओपन कर लिया हूँ, CPU को अभी क्लीन करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं CPU को क्लीन करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं फ्लक्स यूज़ कर रहा हूँ और थोड़ा सा यहाँ पे टिन यूज़ करूँगा। देखिए दोस्तों नॉर्मल शोल्डर वायर से मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, थोड़ा सा बॉल को गोल गोल कर दे रहा हूँ, देख सकते हैं। देखिए इस तरह आपको भी क्लीन करना है और थोड़ा सा आयरन से इसको हीट करना है। देखिए जहाँ कहीं भी ईपॉक्सी पहले से लगा है इसको क्लीन करना है, आयरन से ही क्लीन करना है, ना ही स्क्रापर से ना ही ब्लेड से इसको क्लीन करना है। देखिए जिस तरह मैं आयरन से क्लीन कर रहा हूँ, इसी तरह आपको आयरन से हल्के हाथों से इसको क्लीन करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, ज़्यादा घिसना नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आयरन से मैं ये बॉल को क्लीन कर रहा हूँ, ईपॉक्सी को क्लीन कर रहा हूँ। तो इसी तरह आप भी क्लीन कर सकते हैं कोई भी हैंडसेट का, ब्लैक फेस्टेड या फिर व्हाइट फेस्टेड को। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आ रहा होगा, पसंद आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें, नोटिफिकेशन को ऑल में सेलेक्ट करके छोड़ दें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप सबसे पहले वीडियो को देख सके। तो दोस्तों आपके पास कोई भी फॉल्टी मोबाइल है, रिपेयर नहीं हो पा रहा है, तो डायरेक्टली मेरे को कॉल एंड क्वेरीज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा एड्रेस एंड फ़ोन नंबर है, वहाँ पर जाके व्हाट्सएप में मेरे को क्वेरीज कर सकते हैं या फिर फ़ोन से डायरेक्टली कॉल करके क्वेरीज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों 99% मोबाइल को रिपेयर करने की। तो चलिए दोस्तों CPU और RAM को क्लीन करते हैं, उसके बाद रिवॉल्व करेंगे, उसके बाद फिक्स करके देखेंगे इसमें जो हैंग और लोगो प्रॉब्लम आया था या फिर लोगो पे स्टॉक हो रहा था, ये प्रॉब्लम फिक्स हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ये ट्रिक्स हमारा काम कर रहा है या फिर नहीं काम कर रहा है, इसके बारे में कंप्लीटली जानकारी दूंगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों इसको क्लीन करके रिवॉल्व कर लेते हैं।
तो देख सकते हैं दोस्तों सीपीयू और रैम को रिवॉल्व करके बोर्ड में इंस्टॉल कर चुका हूँ, बोर्ड में लगा दिया हूँ। तो इसके ऊपर में जो कॉपर का प्लेट लगा है इसको इस तरह सीपीयू के ऊपर में रख देना है। अभी फ्रेम में ये बोर्ड को फिक्स करके थोड़ा सा चेक करेंगे, इसमें जो हैंग और लोगो प्रॉब्लम आया था या फिर लोगो पे स्टॉक हो रहा था, ये पोको लोगो से आगे नहीं बढ़ रहा था, ये प्रॉब्लम सक्सेसफुली रिकवर हो गया या फिर नहीं हुआ, इसको चेक करेंगे। तो दोस्तों बोर्ड को टेम्पररी इसके ऊपर में रख के ये बोर्ड को ऑन करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं ये मोबाइल में जो लोगो प्रॉब्लम आया था ये फिक्स हो गया या फिर नहीं हुआ, ये देखने के बाद बोर्ड को फिर से परमानेंटली फिक्स करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले एम्पियर मीटर से मैं फिर से चेक करता हूँ विदाउट बैटरी में, देख सकते हैं 5.0 या फिर 5.2 वोल्ट में यहाँ पे सेट करके रखा हूँ एम्पियर मीटर पे। देख सकते हैं दोस्तों कोई भी शॉर्टिंग इशू नहीं है, 164, 165 ऐसा नॉर्मल रीडिंग आ रहा है जो कि एम्पियर कंजप्शन हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे को कंफर्म यहाँ से पता चल गया कि सीपीयू परफेक्टली लग गया है। तो दोस्तों यहाँ पे मोबाइल को मैं ऑन कर चुका हूँ और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं पोको लोगो आ गया है, और मैं जो हेडिंग में आपको बताया था यहाँ पे देख सकते हैं साइड लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, थोड़ा सा स्क्रीन में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हेडिंग में जो एम्पियर कंजप्शन हो रहा था आपको हेडिंग में जो वीडियो दिखा रहा था, अभी दोनों एम्पियर मीटर को आपके सामने दिखा रहा हूँ, लेफ्ट साइड में हेडिंग वाला वीडियो है और ऊपर में जो मेन स्क्रीन में देख सकते हैं ये अभी का रेडी होने के बाद एम्पियर मीटर से देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जब इसमें हैंग और लोगो प्रॉब्लम था इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर रहा था, 8.8 वोल्ट 8.9 वोल्ट तक यहाँ पे सपोर्ट हो रहा था, अभी रेडी होने के बाद भी इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि जब भी इसमें बैड हेल्थ प्रॉब्लम आता है तो इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता, मैं नोट किया हूँ, मैं नोटिस किया हूँ और मैं इसको प्रैक्टिकली करके भी देखा हूँ। जब इसमें सीपीयू और रैम का इशू होता है तो इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, मैं यहाँ पे फास्ट चार्जिंग लगा के इसमें चेक किया तो मेरे को एक बार में फट से प्रॉब्लम फाइंड आउट हो गया कि इसमें सीपीयू से दिक्कत है। इसीलिए दोस्तों डायरेक्टली मैं सीपीयू पे काम किया, रैम पे काम किया और फाइनली मोबाइल देख सकते हैं इसमें विदाउट डाटा लॉस पे ये मोबाइल रिकवर हो चुका है, आपके सामने देख सकते हैं। तो दोस्तों आप अगर एम्पियर मीटर रखे हैं, एम्पियर मीटर रीडिंग देख के काम करते हैं तो इस ट्रिक्स को एक बार ज़रूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि दोस्तों इस ट्रिक्स में पूरा 100% मैं श्योर हूँ आपको सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम है या फिर हार्डवेयर से प्रॉब्लम है एकदम फट से पता चल जाएगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आया होगा। मिलते हैं दोस्तों और किसी वीडियो में और किसी टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।